नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने वाला है। ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इस रेस में कई नाम सामने आए हैं, वहीं कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाते हुए एक बार फिर उन्हीं को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके ठीक बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने होने वाली है और इस बात की संभावना है कि इस बैठक में पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दे। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर जेपी नड्डा के कार्यकाल का विस्तार नहीं होता है तो फिर पार्टी किस पर दांव लगाएगी और कौन होगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष। इस वर्ष उत्तर से दक्षिण और पूर्व तक के राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जेपी नड्डा एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो लगभग सभी राज्यों में खुद को फिट कर लेते हैं। ऐसे में बहुत संभावना है कि उन्हें ही अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा जाए। हालांकि उनकी जगह किसी और को चुनना पड़ा तो पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कमान सौंपने की सोच सकती है। इससे पहले भी प्रधान को पीएम मोदी द्वारा कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।